हेलो दोस्तों, मैं जमील अहमद। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार जेईई मेन की परीक्षा जनवरी के महीने में होने वाली है और कोचिंग क्लासेस के स्टार्ट होने से और अभी तक हमें ये पता है कि अब तक 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि इन बचे हुए 3 महीनों में या 100 दिनों में बचे हुए सिलेबस के साथ साथ जेईई मेन की परीक्षा किस तरह से अच्छी तरह की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि इस प्लान को बनाते वक्त सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हर स्टूडेंट की पढ़ाई करने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार एक रियलिस्टिक प्लान बनाइए। जब वो प्लान बन जाएगा तो आपके सामने एक गोल आएगा। उस गोल को अचीव करने के लिए आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। जब वो छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने आ जाएंगे तो उसको किस तरीके से डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट करना है, हम इस वीडियो में एक टेबल के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि डे वाइज आपका प्लान कैसा होगा। आइए देखते हैं टेबल में क्या है। आइए इस टेबल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपका साप्ताहिक प्लान कैसा होना चाहिए। एक बात आपको बता दें कि इस टेबल में मेंशन किए गए सारे चैप्टर्स केवल उदाहरण के लिए लिए गए हैं। डे 1, डे 2 और डे 3 में आपको केवल उन चैप्टर्स को रिवाइज करना है जो आपको पहले पढ़ाए गए हैं। डे 4 और डे 5 में आपको केवल उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो आपको अभी जल्द ही पढ़ाए गए हैं, यानी वो चैप्टर्स आपके लिए नए हैं। डे 6 में आपको पूरे सप्ताह में पढ़े गए तमाम चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उनके फॉर्मूलों को रिवाइज करना होगा। डे 7 में आपने डे 6 तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन पर बेस्ड केवल और केवल प्रश्नों को हल करना है। इस टेबल को देखकर आप सोच रहे होंगे कि लास्ट दिन में इतने सारे चैप्टर्स के सवालों को कैसे हल कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि आप हर चैप्टर से केवल 5 प्रश्न हल कीजिए, लेकिन याद रहे कि हर प्रश्न अलग वैरायटी का हो, अलग फॉर्मूले पे बेस्ड हो और उसमें अलग तरह का कॉन्सेप्ट लग रहा हो। तो ये था अक्टूबर तक का प्लान और इसी तरीके से आप नवंबर के महीने में साप्ताहिक प्लान बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार जेईई मेन 2019 की परीक्षा जनवरी के महीने में होगी, तो दिसंबर का महीना काफी क्रूशियल हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि दिसंबर के महीने में छात्रों को क्या कुछ खास करना चाहिए जिससे उनको एग्जाम में बेहतर रैंक प्राप्त हो सके। रिवीजन नोट्स को स्कैन करके कंप्यूटर पर पढ़ने की आदत डालें, जिससे आपको लंबे समय तक कंप्यूटर पर पढ़ने में दिक्कत ना हो। पिछले 5 वर्षों के जेईई के पेपर को जरूर हल करें और ऑनलाइन टेस्ट भी जरूर दें। उसके बाद उस ऑनलाइन टेस्ट की एनालिसिस भी जरूर करें। कमजोर टॉपिक्स को अपने रिवीजन नोट से जरूर दोहराएं। उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो आपको जेईई मेन 2019 की परीक्षा की तैयारी में जरूर मददगार साबित होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए जागरण जोश को विजिट करें।